पॉपकॉर्न फिश है, देसी मुर्गी वाला जायका इसका, बड़ी बेहतरीन फिश। अच्छा ये है जनाब व्हाइट कुन। व्हाइट कुन और क्या? व्हाइट कुन की जो असल पहचान है उसका असल नाम कंगा है। कंगा, कंगा फिश। कंगा वो जीवा तोड़ा, जीवा तोड़ा भी बोलते हैं लोग। तो इसके मुंह बंद होते हैं क्या? इसके मुंह यहाँ फ्रंट पे मुंह वाले साइड पे कवर लगा हुआ है। ये अनोखी फिश पे कह सकते हो जो कि बलूचिस्तान साइड के ज्यादातर होते हैं। देखिएगा दांत, देखिएगा इसका दांत लग जाए ना सुराख कर देगा उंगलियां। वो जो मैंने सुना है कलर भी लगा देते हैं अंदर। वो कलर वो सब ऐसे बदनाम करने के लिए होता है। अच्छा, लोगों को बदनाम करते हैं जो मार्केट वाले, हम लोग वैसे नहीं है। अच्छा जनाब ये है फिश है, इसका नाम है हीरा। हीरा रेड स्नैपर, रेड स्नैपर हीरा फिश। बहुत जायके में जबरदस्त फिश है ये। व्हाइट गोश्त शीशे की तरह कह रहे हैं। और इसके रेट इस वक्त क्या चल रहे हैं? इसका रेट अभी चल रहा है 350 रुपये, 350 रुपये के जी। तो ये है जनाब मीठे पानी का सोल। मीठे पानी के सोल का क्या रेट है? सोल का रेट है 400 रुपये। कांटे वाटे ज्यादा होते कम होते हैं? कांटे सिर्फ इसमें एक होता है, एक कांटे का मछली है ये सोल, जो कि मीठे पानी की फिश है। और उसके अलावा हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए लोग कोशिश ये करें कि मच्छी का जो सर है उसका सूप बना के पिए। अच्छा अच्छा, ये यखनी बनता है इसका। अच्छा मछलियों के सर का यखनी बनाया, ये सर भी, सर क्या हिसाब बेच रहे आप? सर ये मुनासिब है 150-200 रुपए किलो फिश का सर, जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के लिए फायदेमंद। अच्छा इसका सर्दियों में इसका सूप इस्तेमाल करें तो हड्डियों के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए काफी फायदेमंद है। ठीक हो गया जी। अच्छा जनाब ये कौन सी फिश है भाई? ये आमरोस फिश है। आमरोस, आमरोस, आमरोस। हाँ इसे माही, माही भी बोलते हैं, माही, माही भी। और इसका वेट क्या है? इसका वेट अब लग रहा है कम से कम 6 किलो होगा। 6 किलो का, 6 किलो की ये मछली है। और आमरोस नाम है इसका। जायका कैसा है इसका खाने में? जायका इसका बहुत उम्दा जायका है। ये भी सेकने वाली मछली है, फ्राई भी हो सकती है, सेक भी सकती है। अच्छा तो इसके क्या रेट है? इसका रेट अभी फिलहाल तौर पे एक्सपोर्ट बंद है तो ये फिलहाल तौर पे आपको 200 रुपए किलो सब मिल जाएगा। ये फिश है, ये है कंगा। तो ज़्यादातर ये फिश एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाती हैं। तो जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। और इस पर इसके रेट है, क्या रेट चल रहे हैं दोस्त कंगा के? 250। क्या रेट चल रहा है? 250 रुपये किलो में ये मछली। देखिएगा दांत, देखिएगा इसका दांत लग जाए ना सुराख कर देगा। खासतौर पर कराची के लोग इसकी पहचान कर लें। ये है कुंद। कुंद। अच्छा ये है जनाब व्हाइट कुंद। व्हाइट कुंद और व्हाइट कुंद की जो असल पहचान है उसकी दुम होगी। अच्छा क्या खास बात है इसमें? कलर का होगा। अच्छा व्हाइट कुंद का दुम जो है वो ग्रीन कलर का होगा, ये इसकी पहचान है भाई। ठीक हो गया। अच्छा रेट क्या चल रहे हैं इसके? व्हाइट कुन, व्हाइट कुन के चल रहे हैं 550 रुपए। 550 रुपए। और देखें जैसे कि ये भी कुंद है, ये भी कुंद है। अच्छा ये दोनों कुंद है, सेम चीज है। ठीक, इसके गोश होगी शीशे जैसा व्हाइट, बिल्कुल होगा काला गोश। अच्छा इसका काला गोश होगा। इसका दुम ब्लैक पे है। हाँ इसका दुम देखें ब्लैक है, हालांकि ये भी कुन है। हाँ इसका गोश काला होगा। और ये है व्हाइट कुन, इसकी पहचान भी देख ले आप, इसका दुम होगा बिल्कुल ग्रीन और इसका गोश्त कह रहे हैं शीशे की तरह व्हाइट। तो ये दो कुन है, दोनों की पहचान बता दी आपको मैंने। ये कौन सी फिश है भाई? ये भाई इसका नाम है कखन, इसको लोग रामस बोल के बेचते हैं। रामस, ये है कखन। अच्छा कखन, क्या प्राइस क्या है इसकी? इसकी प्राइस है 550 रुपए। अच्छा ये ताज़ा है, कैसे पता चलेगा भाई? इसकी आइस की चमक देखो बस। अच्छा आंखों की चमक से। हाँ। और जो कहते हैं कान सुर्ख लाल, वो होगा जब मच्छी बिल्कुल ताजगी के साथ आएगी, ये होगी उसकी पहचान। और साथ में लेस निकलेगा। कलर तो नहीं लगाते यहाँ पे? कलर होगा तो ये लेस नहीं निकलेगा। अच्छा तो ये ताजे मछली की पहचान है। हाँ लेस निकलना चाहिए। ये कौन सी मछली है भाई? ये है डॉट वाला धोतर। डॉट वाला धोतर है। हाँ इसमें एक और आता जो व्हाइट है, मुल्ला। अच्छा इसका नाम है मुल्ला फिश। हाँ इसको सऊदी अरब और यूरोप में शहरी बोलते हैं। इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस है 700 रुपए। 700 रुपए किलो। ये दरिया का रोहू है, जेन्युइन पंजाब वाला। इसके रेट है 500 रुपए किलो। हाँ और ये सबसे अनोखी फिश जिसे बोलते हैं ईरानी पापलेट। ईरानी, ईरानी पापलेट बोलते हैं इसको, ईरानी पापलेट। ये इस वक्त फिश मार्केट में बहुत ही अनोखी फिश है, देख सकते हैं। इसके फ्रंट पे मुंह वाले साइड पे कवर लगा हुआ है, कवर ही है ना ये? इसके पूरे जिस्म में कवर है, पूरे जिस्म में कवर है। हाँ और इस कवर को उतारा जाता है फिर जाके ये बनती है। उतारा जाता है, इसका मुंह बजाय रहता लग रहा है कि ये बंद है, लेकिन इसकी बहुत छोटी सी मुंह है ये देखिए ऊपर।
और ये बहुत ही यूनिक मछली और साल में बहुत कम यानी कि अवेलेबल होता है। तकरीबन कब आता है ये? तीन महीने पाए जाते हैं साल में बस। कौन सी जगह पाए जाते हैं ये? बलूचिस्तान साइड के ज्यादातर होते हैं। अच्छा, साल में तकरीबन सिर्फ 3 माह पाए जाते हैं और ज्यादातर ये शिकार होता है बलूचिस्तान साइड में। ये एक्सपोर्ट होता है, ये फिश कराची के लोकल मार्केट में अवेलेबल है और इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा होता है। आजकल क्या प्राइस है? आजकल 400 साढ़े 400 जायका तो बहुत आला है इसका। अच्छा, इसका नाम है ईरानी फिश, ईरानी पापलेट है दोस्तों। ये अनोखी फिश पे कह सकते हो जो कि इस वक्त कराची के मार्केटों में अवेलेबल है। अच्छा, इसके दूसरे वाला जो पीस है ये क्या स्किन है? ये इसकी पूरी स्किन है, ये बगैर स्किन उतरा हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये बगैर इसका पूरा, ये जो फिश देख रहे हैं इसके आधे स्किन उतरे हुए और इसके मुकम्मल तौर पर। और ये है अनोखी फिश जो कि इस वक्त कराची के मार्केट में दस्तयाब है। रेट बता दीजिए। कुकर फिश है, देसी मुर्गी वाला जायका इसका, बड़ी बेहतरीन फिश है, इसको सालन बना है। अच्छा, क्या बोलते हैं इसे? कुकर फिश। अच्छा, रेट क्या है इसके? इसका रेट 400 रुपये। 400 रुपये। और ये कौन सा है? ये मुश्का। मुश्का जी, फ्रेश है ये? फ्रेश की गारंटी। ताजे की क्या पहचान है? ताजे मछली की क्या पहचान? आइस कैसे चमक रहे देखे, ये आइस रेड हो व्हाइट हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बर्फ का वो हिसाब किताब है, जिसमें बर्फ ज्यादा लग जाता है उसके आंखों की तरफ तो रेडिश हो जाता है। दूसरा पहचान क्या है? इसकी गिल्स लाल होना चाहिए। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? ये ताजे की पहचान होती है। ताजे की पहचान वो जो मैंने सुना है कलर भी लगा देते हैं अंदर। वो कलर वो सब ऐसे बदनाम करने के लिए होता है। अच्छा, लोगों को बदनाम करते हैं जो मार्केट वाले, हम लोग वैसे नहीं है, कोई कलर नहीं लगता है, वो ऐसी रहता है। अच्छा, और कौन कौन सी मछली है भाई? और इसके बाद ये दंडिया देखें, तिलापिया फिश। अच्छा, 260। ये मीठे पानी की बड़ी वाली है? बड़ी वाली है, बड़ी प्यारी चीज। नहीं, मीठे पानी की है ये? मीठे पानी की कोई कांटा नहीं होता। क्या नाम है इसका? क्या रेट है इसका? इसका रेट 350 रुपये। 350 रुपये, 300 रुपये हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, और बताएं। उसके बाद ये पापलेट है, रेट को ये जलेबी पापलेट है, इसे व्हाइट पापलेट भी कहा जाता है, 2 नंबर व्हाइट पापलेट कह लें। और ये जलेबी पापलेट है, इसका रेट भी मुनासिब है। अच्छा, क्या रेट है इसके? 300 रुपये। 300 रुपये किलो। और ये पापलेट है व्हाइट, ओरिजिनल जो व्हाइट आता है। ये बता दीजिए कौन सी फिश है दोस्त? ये सारम है। सारम के क्या चल रहे हैं रेट? सारम ऐसे तो फुल सर्दी आते हैं ना, फुल सर्दी में भाई 500 रुपये होता है। अभी इसका रेट है 280 रुपये, 300 रुपये तक। 280-300। ये भी फ्रेश है? बिल्कुल फ्रेश। आज दो कैसे चमक रहा है? गिल्स इसके लाल है, बिल्कुल फ्रेश और ताजी। इसकी चिकनाहट भी खत्म नहीं अभी तक, लेस होता है ना ताजी की मछली की पहचान। अच्छा, चिपचिपाहट ये देखो, ये ताजी मछली की पहचान है। ये है कैटफिश। इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं सिंगाड़ा। ये है सिंगाड़ा? हाँ। और इंग्लिश में कैटफिश। अच्छा, तो इसके क्या रेट होते हैं? 180-150 रुपये किलो। कितने किलो का होगा अंदाजन? 8 किलो का पीस है ये। ये रेड स्नैपर हीरा। अच्छा, इसका क्या? रेड स्नैपर। रेड स्नैपर और उर्दू में कहते हैं हीरा। हीरा, ये भी फ्रेश? बिल्कुल फ्रेश, देखो ना, चमक और धमक के साथ। चमक और चमक दोनों लाजमी चाहिए मछली में, नहीं तो धमक खत्म हो जाएगा तो चमक रह जाएगा तो उसका क्या करेगा? धमक भी चाहिए, चमक भी चाहिए मालूम है। सही। और रेट क्या है भाई इसके? रेट इसका 450। 450 रुपये किलो। राघव भाई ब्लैक पॉम्फ्लेट। इसके क्या प्राइस? इसका प्राइस है 500 रुपये। 500 रुपये किलो बड़े वाला। छोटे वाला 250 में बिकता है। अच्छा, ये इसको कहते हैं उलूड़ी डॉटर। ये है धोतर, उलूड़ी धोतर। टिके वाला उलूड़ी नहीं है, मतलब इसके क्या होते हैं ब्लैक डॉटिंग डॉट वाले धोता रही है, डॉट वाले। ये भी प्राइस इसका रेट सस्ता होता है थोड़ा, व्हाइट वाला धोता से ज्यादा। अच्छा, क्या प्राइस है इसके? 350 रुपये। 350 रुपये किलो, ठीक हो गया। इसको कहते हैं संगरा, ब्लैक सालमन। और उर्दू में संगरा, इसको उर्दू में कहते हैं संगरा। और तो खास। और ये है मीठे पानी का मोराकी। ये क्या है? मोराकी। क्या रेट है इसके? इसके रेट है 400। 400 रुपये किलो। ये है मुई।
अच्छा, इसकी क्या रेट है? इसके रेट है 500। ये कौन सी फिश है भाई? ये दुम फिश है, दुम दुम। इसका नाम क्या है? इसका नाम इंग्लिश में है सिल्वर बटन। अच्छा, प्राइस? प्राइस इसके पड़ेंगे कम से कम, अभी तो फिलहाल सस्ता हुआ है। ये मछली भी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट, और ये बहुत दुबई की बहुत मशहूर मछली है। दुबई के दुबई वाले खाते हैं इसको, सेक के, इसको सिर्फ सेका जाता है। अच्छा। फ्राई करेंगे इसका जाया रुखा हो जाएगा गोश्त, सेकेंगे अच्छा, इसका गोश्त ऐसा हो जाएगा बेहतरीन खाने वाला। ये आपको कम से कम जब एक्सपोर्ट खुलेगा 500 रुपये किलो मिलेगा, अभी ये फिलहाल तौर पर 250 रुपये किलो। असल नाम क्या है इसका? इसका असल नाम कंगा है, कंगा, कंगा फिश। कंगा वो जीवा तोड़ा, जीवा तोड़ा भी बोलते हैं लोग। ये देखे इसकी गोलाई, देखे गोल गोल शेप, ये गोल शेप में जो है वो नस्ल वाला है, खाने वाला। ये बहुत प्यारी फिश है, इसका ये देख लें दांत और इसका गोश्त ग्रीन, पूरी मछली का व्हाइट होता है, ये मछली वाकई में जो ग्रीन कहलाती है। और इसका जायके में इंशाल्लाह ऐसा जायका कोई मछली में नहीं होगा। ये सांप वांप से नस्ल से तो नहीं है? ये कोई नस्ल से नहीं है, ये मछली हलाल मछली, ये किंग मछली के शुमार में आती है। ये अभी एक्सपोर्ट बंद है इसलिए ये सस्ता हुआ है, नहीं तो एक्सपोर्ट खुल जाए तो ये मछली तो आपको नजर में नहीं आया। अच्छा है।